हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी और मेरे साथ है टीसी गुप्ता जी। आज अपन गुरुनीति में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सराउंडिंग पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके साथ चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स फॉर रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। आपको यूनिट सेल जो दी है वो कौन से दी है? रोम्बोहेड्रल दी है। बिल्कुल, एक्सियल डिस्टेंस यहाँ पे आपको और एक्सियल एंगल्स बताने हैं। पहले तो ये देख लो होते क्या है। तीन एक्सिस होती है अपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इन्हीं पे कुछ निर्देशांक आपके ले लिए जाते हैं जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड सी, इन एक्सियल डिस्टेंस। और ए के सामने आपका हो गया अल्फा, बी के सामने आपका आ गया बीटा, और सी के सामने आपका आ गया गामा। ये हो गए इनके एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स। सी के सामने गामा। ये जो सिक्स पैरामीटर हो गए ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सेवन प्रकार की यूनिट सेल बनाई गई है। एक बार पेज खाली करना सर। इन यूनिट सेल की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, क्यूबिक की। उसके बाद में अपन बात करेंगे टेट्रागोनल की, फिर उसके बाद में अपन बात कर लेंगे ऑर्थोरोम्बिक की, फिर बात कर लेंगे रोम्बोहेड्रल की, इसके बाद में अपन बात कर लेंगे मोनोक्लिनिक की, फिर बात कर लेंगे ट्राइक्लिनिक की, और सबसे लास्ट में बात कर लेंगे अपन हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है, जिससे क्या होगा आगे की चीज रटनी नहीं पड़ेगी। तो ए इज गस टू बी इज गस टू सी, तीनों बराबर रखने। अल्फा इज गस टू बीटा इज गस टू गामा, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों की वैल्यू 90 होगी। बिल्कुल सर। इसके लिए आप एक काम कीजिए, आगे से एक कैंसिल कर दो, बाकी अल्फा इज गस टू बीटा इज गस टू गामा इज गस टू 90 डिग्री, ये सेम रहेगा। फिर आगे अपन बात करते हैं ऑर्थो की, तो फिर से आपको कैंसिल करना है, एक और दो कैंसिल कर दीजिए और वो सेम रखिए। अल्फा इज गस टू बीटा इज गस टू गामा इज गस टू 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। फिर रोम्बोहेड्रल की बात करें, वापस तीनों सेम कर दो, कोई आपको कैंसिल आउट नहीं करना, तीनों इक्वल हो जाएंगे। और अल्फा इज गस टू बीटा इज गस टू गामा, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन 90 इनमें से नॉट इक्वल टू 90। बिल्कुल सर, इनमें से 90 का एक भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। तो ऑप्शन में हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी आपका फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इन्हें सीसीपी लैटिस एक्स एंड वाई, सीसीपी यानी क्यूबिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, x and y, x atoms are present at the corners, अपने पास x है और दूसरा कौन सा है, y है। x कहां present है, corners पर है, x present है corners पर, and y atoms are present face center, यानी face center पर present है। then the formula of the compound would be if one of the x atom, एक कोनर से एक्स एटम को क्या कर रहे हैं, जेड से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है इस टाइप का फॉर्मूला का, और इसका फिक्स कॉन्सेप्ट है। हमें करना क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, सिंपल होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, 1:2:4, 1:2:3। तो हम देखते हैं, देखो एक्स कोनर्स पे है तो आपको पता है 1 कोनर पे एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट आता है, और टोटल नंबर ऑफ कोनर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। बात करें फेस सेंटर की, तो फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल का हाफ पार्ट आता है और टोटल नंबर फेसेस होती है 6। बट हम इसमें क्या कह रहा है कि x का 1 रिमूव करके रिप्लेस कर रहा है z से, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो x y z तीन टाइप के आपके पास क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। अब यहां पे 1 रिमूव है ना, इट मींस क्या होगा 1/8, और 1 रिमूव करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। y में कोई चेंज किया गया, कोई चेंज नहीं हुआ तो कितना हो गया, 2, 3, तो 3 हो जाएगा। और z में क्या 1 आया 1 कोनर पे, इट मींस कितना पार्ट आया है, 1/8 पार्ट आया। अब मैंने क्या बोला, सिंपल होल नंबर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7:24:1। इट मींस x 7, आप देखिए x 7 y 24 और z 2, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया।
सेकंड X7Y24Z1, तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीसरा क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एन आयनिक सॉलिड ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ AB, देखो AB टाइप के आयनिक कंपाउंड, एक तो आपका NaCl टाइप NaCl होगा, बिल्कुल सर, एक सीजियम क्लोराइड हो सकता है और एक आपका हो सकता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसकी होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 8 आ जाती है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी बिल्कुल सर 4 आ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो यहीं से आप सवाल को पकड़ो। NaCl, NaCl में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और वॉइड कौन सी होती है इसमें? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की रेंज कितनी होती है? 0.4142, 0. लेस देन, आप ये कह सकते हो इसका रेडियस रेशियो ये या इससे बड़ा और 0.732 से कम होगा, कम होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बेरियम ऑक्साइड हैज ए रॉक्सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक्सोल्ट मींस NaCl स्ट्रक्चर है। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाई प्रेशर द रेशियो CN, अब देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है, तो हम बात करें पहले CN कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है? द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट पार्टिकल टू ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी अवयवी कण के निकटतम उपस्थित अवयवी कणों की संख्या क्या कहते हैं? CN कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट की बात कर रहा है, मींस किसकी बात कर रहा है? NaCl की, और NaCl की CN होती है 6:6, यानी Na+ इज सराउंडेड बाय 6 नंबर ऑफ Cl- एज वेल एज Cl- सराउंडेड बाय 6 नंबर ऑफ Na+ ठीक है। अब जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम होगी, थोड़े पास में आएंगे और पास में आने से क्या होगा उनकी सीएल में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो 6:6 से क्या हो जाता है, इनका चेंज होके 8:8 हो जाता है। तो अब 8:8 इनका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। आप क्लियर, ध्यान रखना है जब भी प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो सीएल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगी। रीजन क्या होगा? पैकिंग हो जाएगी, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी और नियरेस्ट एटम बढ़ जाएंगे, तो वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट बात करना क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल आपको रेडियस रेशियो देखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। द आयनिक रेडियस ऑफ रुबिडियम एंड आयोडाइन, ये आपके आयनिक रेडियस दे रखे हैं 1.46 एंड 2.11 टाइप है। आपको ये बताना कौन सी स्ट्रक्चर देगा, तो आपको पता है इसमें तो क्यूबिक वॉइड होती है जिसकी रेंज कितनी होती है रेडियस रेशियो की? 0.732 या इससे ज्यादा और एक या एक से कम। यहां पे अपन देखा जाए NaCl, NaCl के पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है जिसकी रेडियस रेशियो 0.732 तक हो जाएगी। इसके अंदर आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और इसमें भी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, बिल्कुल सर। और इन दोनों के लिए एक साथ बात कर लेता हूं, रेडियस रेशियो होगा 0.225 से लेकर के 0.414 तक रहेगा, बिल्कुल सर। तो यहां रेडियस रेशियो निकाल लो, रेडियस रेशियो क्या होता है? साइज ऑफ स्मॉल एनायन अपॉन साइज ऑफ लार्ज आयन। हमेशा ध्यान रखना, आप जनरली कई ऐसे बोल देते हैं कि केटायन की साइज ऊपर है एनायन की साइज नीचे, ये गलत है भाई। हमेशा ध्यान रखो जिसकी साइज छोटी होती है वो ऊपर रखना है और जो लार्ज साइज आयन है उसके नीचे रखना है। तो 1.46 अपॉन 2.16, और जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स इसके बीच का रेडियस रेशियो आपको मिल जाएगा। तो डिवाइड करके हम देख सकते हैं 1.46 अपॉन 2.16, तो क्या करेंगे पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया ठीक है, और क्या होगा 7.3, यहाँ कितना हो रहा है 108, तो क्या होगा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? देखो 108 को हम 6 टाइम करेंगे तो 0.6 एक्सिट करेगा नहीं, 7 टाइम्स होगा तो क्या होगा मोर देन 700 से ज्यादा हो जाएगा, 0.6 के आसपास आएगा। और 0.6 जो रेडियस का रेशियो है वो 0.6 इसमें आ रहा है, 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा है ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? NaCl। आगे चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड एट F0.98O, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहां ध्यान दो ये फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे कौन सा डिफेक्ट है? अगर हम क्रिस्टल डिफेक्ट की बात करें तो यहां पे क्या है? केटाइन, नंबर ऑफ केटाइन कम है, इट मींस नंबर ऑफ केटाइन रिप्रेजेंट मेटल्स, जिसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं?
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, प्लस टू माइनस टू, बट क्या होता है सम एफ ई प्लस टू क्या होते हैं वहां से मिसप्लेस हो जाते हैं। अब देखो डिफेक्ट दुनिया का कोई सा भी डिफेक्ट हो चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एफ ई प्लस टू जो सम एफ ई प्लस टू कन्वर्ट इन टू एफ ई प्लस थ्री आयंस। अब हमें इसमें यही पता करना है कि एक्चुअल में एम प्लस थ्री यानी एम प्लस थ्री की कंसेंट्रेशन कितनी है। तो मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या है, नेट चार्ज ऑलवेज क्या होगा इक्वल होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर रेशियो क्या है, एम 0.98 ओ, इसका मीनिंग क्या है, एम के 0.98 पार्टिकल है तो ओ का एक पार्टिकल है। अगर हम इसके 98 पार्टिकल ले ले इट मीन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके 100 क्या होंगे, आयन होंगे। अब इसमें दो टाइप के आयन है, एक है एम प्लस थ्री और एक है एम प्लस टू, और यहां पे क्या है सबकी वैलेंसी क्या है माइनस टू है। क्लियर, ठीक है, तो करना क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या करना है टोटल नेगेटिव चार्ज। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, हम ये एक्स मान लेते हैं तो ये कितने होंगे, टोटल 98 है तो 98 माइनस एक्स हो जाएंगे और ये तो 100 के 100 एज इट इज है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा 3 इंटू एक्स, क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस क्या होगा 2 इंटू 98 माइनस एक्स। क्लियर, इक्वल टू क्या करना है टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा 2 इंटू 100, क्या होगा 2 इंटू 100 होगा। अब दो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x क्या बचेगा x बचेगा प्लस 2 इंटू 98, 2 इंटू 98 क्या हो जाएगा 196 इक्वल टू क्या होगा बोलो 2 इंटू 100 क्या होगा 200। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अभी पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा वो प्लस 3 वाले कितना है ना 4, टोटल कितने दे 98, कितने दे 98, तो 4 अपॉन 98 इंटू 100। अब देखो 100 को 98 से डिवाइड करेंगे ना तो मोर देन 1 आएगा और 4 को मोर देन 1 से करेंगे तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन में अगर मान लो डिस्टेंस काफी है गैप ज्यादा है तो नो नीड टू सोल्व, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा और एग्जाम में करना क्या होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो देखो 4 से जस्ट ज्यादा कौन सा ऑप्शन है 4.08, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 4.08%। क्लियर बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 के क्वेश्चन में अपने बिल्कुल सिंपल सा एक डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉपर हैज एफसीसी यूनिट साइज स्ट्रक्चर। एफसीसी आने का मतलब है कि आपके पास Z की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सर, एफसीसी के लिए Z क्या होगा 4 होगा और Z क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल विद सेल एज लेंथ, ये एज लेंथ दे दी a आपकी एंगस्ट्रॉम जो भी यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की डेंसिटी बतानी है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक काम कीजिए, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, सेंटीमीटर में अपन ने इसको चेंज कर लिया। क्लियर, फिर उसके बाद में अपने को मास दे रखा है कॉपर का 63.5। तो अपना डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, तो डेंसिटी का आप फॉर्मूला लगा सकते हो एम इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ए ए क्यू क्यों लगाया, क्योंकि एफसीसी है मतलब क्यूबिकल वॉइड, और क्या वॉल्यूम जो वॉइड होती है उसमें आइडियल क्यूब होता है जिसकी हर एज लेंथ आपकी ए होगी, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। एम की वैल्यू रख देते हैं हम, एम की वैल्यू होगी, एम की वैल्यू रख दी अपने 63.55, जेड की वैल्यू अपन ने कर दी 4, ये आ जाएगा 6 × 10⁻¹। वैसे तो 6.02 तो है, क्वेश्चन थोड़ा इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा अपने 20 रख ले। बिल्कुल सर, फिर ये हो जाएगा एक्स इंटू 10⁻²। तो इसको आप एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब बिल्कुल, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू 10⁻²। बिल्कुल सर, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 422 इंटू एक्स क्यूब, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट कंसीडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेन का ही आया हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड वन, ये नंबर वन सॉलिड है, एंड टू विद द पोजिशन ऑफ एटम एज शोन बिलो। अब देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सारे पार्टिकल कॉर्नर्स पे है और एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। यहाँ पे कॉर्नर्स पे है, बॉडी सेंटर का पार्टिकल चेंज हो गया, यहाँ पार्टिकल ए था यहाँ बी हो गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पे, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% या मोर इन सॉलिड टू, इट मीन्स अगर इसकी एज लेंथ ए है तो इसका 50% क्या होगा, ए बाई टू, यानी इसकी क्या होगी 3/2 ए है। कितनी है 3/2 ए, 50% मोर है। बिल्कुल, ये एज लेंथ की बात की है सर ने। दूसरा ये ध्यान रखना, इसमें सेम है सारे एटम, मतलब मेटेलिक सॉलिड है, और यहाँ पे डिफरेंट एटम आ गया, मतलब इसकी पैकिंग आयनिक के अकॉर्डिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड टू, यानी आपको सॉलिड टू की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। क्लियर, क्वेश्चन में करना गया है, वापस बताता हूँ। इसमें पार्टिकल सारे ए टाइप के हैं, इसमें कॉर्नर्स पे सेम टाइप के रहेंगे, यहाँ बी पार्टिकल आ गया, ठीक है, इसकी एज लेंथ ए है और इसकी एज लेंथ क्या है, इसकी 3/2 टाइम्स है। क्लियर, और इसके अलावा क्या दिया उन्होंने, एक रेडियस से रिलेटेड, रेडियस में आपको ए की रेडियस, बी की त्रिज्या, ए की दुगुनी है सर। तो यहाँ पे जो रेडियस है आर ए कर सकते, बिल्कुल सर, आर भी यहाँ गिवन है कि ए की जो रेडियस है, जो ए सॉरी बी की रेडियस है वो क्या है, ए की डबल है, तो इस पार्ट आर भी क्या हो जाएगा 2 आर ए। अब ये सोल्व करते हैं, देखो सीधा सा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है आयनिक के लिए जो लगाते हैं। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यू लिख रहा हूं मैं, इंटू क्या करते हैं 100। तो इसमें जो नंबर वन अपने पास सॉलिड था वो तो हम देख रहे हैं, तो क्या है सिंपल बीसीसी है ना, तो इसका अगर बात करें पीए तो कैसे आता है, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, देखो कॉर्नर पे आता है 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर से कितना हो गया 1/8 इंटू 8, यानी 1 पार्टिकल तो यहां पे है, 1 पार्टिकल बॉडी सेंटर पे, तो पूरा का पूरा क्या है अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 2 हो गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी जैसे हमने बात की क्या होगा ऑलवेज ए क्यूब होगा, हो जाएगा इंटू 100। ये सिर्फ क्यूबिक वर्ड की पढ़ते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की स्थिति में ही होगा ए क्यूब, ऐसे हर जगह मत नहीं लगाना, बिल्कुल क्यूब के लिए ऑलवेज क्या अप्लाई करेंगे ए क्यूब। तो ये तो हमने बात कर ली सॉलिड वन की, अब देखो सॉलिड टू में क्या है, एक्चुअल में सॉलिड टू की क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिड टू की, तो टू की बात करें तो टू में पार्टिकल तो वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल तो कितने होंगे, इसके लिए सेम ही होगी, वन ही हो गया बट वॉल्यूम सेम नहीं होगा, इसकी रेडियस डबल है, इसकी रेडियस इसकी क्या डबल, तो वॉल्यूम क्या होगा डिफरेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंट वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, यानी कॉर्नर वाले पार्टिकल वॉल्यूम क्या होगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब आर प्लस क्या होगा, या ए ले लेते हैं इसको, ठीक है 1 × 4/3 पाई आर बी। अब रेडियस ऑफ बी क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए, तो 2 आर ए का क्यूब अपॉन, अब यहां की जो ए है क्या दिया था क्वेश्चन में 1.5 टाइम्स 3/2 ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3/2 ए क्यूब, फिर क्यूब आ जाएगा इसका, इनटू क्या कर देंगे 100। अब देखो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना कॉमन देखो क्या आएगा 4/3 आर ए क्यूब कॉमन आएगा क्या, तो देखो पहले मैं कॉमन जो आ रहा है वो लिख देता हूं 4/3 पाई आर ए क्यूब इनटू 9 इनटू यहां क्या बचेगा, देखो कॉमन 1 बचेगा और 1+2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 1+8 यानी क्या हो गया 1+8 यानी 9 हो जाएगा ये, अपॉन हम बात करें तो 3/2 का क्यूब क्या होगा 3/2 क्यूब लिखते हैं हम इनटू ए क्यूब। अब देखो ध्यान से देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब सॉरी ट्वाइस यहां पे है, तो 2 की वैल्यू 60 रखनी है हमें, तो देखो हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है इस पार्ट को अलग रख रहा हूं, बिल्कुल इसके बाद क्या बचेगा 9 ही यही ले लेते हैं 9 अपॉन 3 का क्यूब क्या होगा 3 का क्यूब होगा कितना 27, इसको और की जगह 4 रख देते हैं 42, अच्छा 9 था 9 नहीं रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल सही कीजिए कीजिए आप, ये 9 हो जाएगा
थ्री का क्यूब क्या आएगा 27 अपॉन 2 का क्यूब ऊपर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ रखता हूँ और एक तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास वैल्यू किसकी है 2 × 4/3 आर ए, ये हमने एक ही बात की थी फर्स्ट की, अपॉन ए क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है 68%, 100 तो मतलब चल ही रहा है, तो 68 में इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है दिस इनटू 100 की वैल्यू क्या थी 68। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से कर दिया मैंने, तब किससे करना है 9 × 4 = 36/27, ये तो कैंसिल कर लो आप, यही से कर लेते हैं 4 × 3 तो क्या हो जाएगा ये 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेट 3 × 2 ही कर लेंगे, या 2 कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा ये 89 के आसपास। देखो ऐसे कोई ऑप्शन है क्या 89 के आसपास, पहला 90 है, 45 है, 65 है, 75 है, तो कौन सा होगा 90%, अप्रोक्सीमेट कितना होगा 90%, क्लियर। आप यहां से पहला ऑप्शन देख सकते हैं 90%, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लाइकली टू शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट डिफेक्ट इन इट क्रिस्टलाइन फॉर्म, हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है शॉर्ट के डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है केटाइन और एनाइन पेयर्स की फॉर्म में हमेशा आपके लेटिस को छोड़ के चले जाते हैं, क्लियर, और ये तब होता है जब आपकी केटाइन और एनाइन की रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है, उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगी तो वॉइड ऐसे में छोटी होंगी तो वॉइड में ये जा नहीं सकते, तो आपको इस समय शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में तब होता है जब आपका एनाइन वेरी वेरी ग्रेटर देन केटाइन, एनाइन की साइज बहुत बड़ी होती है और पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है तो वॉइड्स बड़ी होगी तो ये इजी गोइंग उनमें शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल सर, तो आपका जो एजीबीआर होता है ये दोनों डिफेक्ट दे सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत शानदार एनसीईआरटी की लाइन है, एजीबीआर में दोनों टाइप के डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वुड बी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D, अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी हम सीख चुके हैं 2D है, तो 3D में वॉल्यूम लेंगे तो 2D में क्या लेंगे एरिया, क्या लेंगे एरिया लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आपको निकालना क्या अल्टीमेटली पी निकालना है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा वहां वॉल्यूम का, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है वॉल्यूम की जगह क्या आएगा एरिया, क्या आएगा एरिया, एरिया ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स अपॉन एरिया ऑक्यूपाइड बाई यूनिट सेल इनटू क्या कर देंगे 100। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो यहाँ पे कितना पार्ट आ रहा है 90 का एंगल है तो कितना पार्ट आ रहा है 1/4, और कितने हैं 1/4 के 1, 2, 3, 4, तो कितने पार्टिकल हो गए 1/4 × 4, एक पार्टिकल तो ये हो गया, क्लियर, एक सेंटर पे पड़ा है और एक पूरा पूरा अंदर है, ठीक है, तो 1 पार्टिकल ये हो गया, तो 1 + 1 नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2, क्लियर, तो एरिया ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 और एक का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक का पाई आर स्क्वायर तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे बात करते हैं एरिया ऑफ यूनिट सेल, अब देखो आपके सामने क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर इंटू 100, इसके हम ए क्या मान लेते हैं साइड लेंथ मान लेते हैं, अब हमें देखो ए को आर की टर्म से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो देखो यहां से हम ध्यान दें तो ये ए है, ये ए हो गई आपकी डिस्टेंस, तो ये कितनी हो गई √2, ये हो गई पाइथागोरस से सॉल्व कर ले, पाइथागोरस से क्या जाएगा √2 आ जाएगा, रेडियस की बात करें तो दिस इज 2r + r + r 4r = √2 4r = √2 क्या रिलेशन 4r = √2 बिल्कुल, इट मींस a इक्वल टू क्या आएगा 2√2r, क्या आएगा 2√2r, अब यहां वैल्यू किसकी रखनी है a स्क्वायर की, तो स्क्वायर कर दे इसका, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 2 √2, तो क्या हो जाएगा 8r², तो वैल्यू मैं रख रहा हूं क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 2 × πr² अपॉन क्या आएगा 8r² × 100, अब जब r स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं 2 4 times, तो पाई बाय पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है 3 के आसपास होती है, तो 3/4 यानी 75% के आसपास, जब ऑप्शन 70 देखो ये भी इसके आसपास है बट यहाँ 3.14 है तो थोड़ी ज्यादा 75 से जस्ट ज्यादा, कौन सा ऑप्शन है 78.54, तो कौन सा आंसर आएगा 78.54% आ जाएगा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द
देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आप सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। कर चुके सर। बिल्कुल थोड़ा सा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया, बाकी कोई ज्यादा बाकी सेम है। एक कंपाउंड है एम पी एक्स क्यू, आपको ये पी और क्यू का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, करना है। तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें से आपको देखा जाए तो कोई भी एटम यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, उठा नहीं रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर मानी है। बिल्कुल सर। तो ये एम को तो बता रहा है स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर एस सेंटर पे आ रहा है और एक एस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूट कितना होता है, 1/4 होता है। ऐसा कितना एटम दिया है, 4 एटम दिया है, 1, 2, 3, 4। एक दिया है बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर का हमेशा रोल 1 होता है, तो 1 = 1, तो ये तो आ जाएंगे टोटल 2। तो एम की वैल्यू तो है, पी की वैल्यू तो आ गई, पी की वैल्यू 2 आ गई सर। अब क्योंकि निकालनी है तो एक तो कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स का 1/8 जैसा कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे 8 कॉर्नर। बिल्कुल। फेस सेंटर का 1/2 होता है और फेस टोटल कितने हैं, 6। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3, ये आ जाएगा 4। तो Q की वैल्यू आ गई 4। वॉल नंबर ले लो, 1/2 आ जाएगा, 1:2। तो M और आपका दूसरा दिया है X2। तो आपका सेकंड आंसर यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, फॉर्मूला डिटरमाइन करने का क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके। हां तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, which of the following statement is not correct। आप ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए कि पूछा गया, क्लियर। पहला कह रहा है फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवाल फोर्स, हमेशा ध्यान रखना एडसॉर्प्शन आपका दो प्रकार का होता है। एडसॉर्प्शन क्या होता है, किसी एक सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस की आकर के जमा होना, दैट इज एडसॉर्प्शन। बिल्कुल सर। यहां पे हमेशा ध्यान रखना फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो क्या होता है, जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट होता है उनके बीच वीक वंडरवाल फोर्स आपका बनता है, यहां पे वीक फोर्स बनेगा। बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वीक बन रहा है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड, और केमिकल में जनरली बॉन्ड कौन सा बनता है, या तो कोवलेंट बनेगा या आयनिक बनेगा, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होने वाली। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वंडरवाल फोर्स से होता है, तो ये बात सही है। बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ में नोट करेक्ट देखना है। बिल्कुल, आपका ये करेक्ट है। एक मिनट, कंफ्यूज हो जाएंगे सर इस चीज को, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, जबकि देखो यहाँ पे आपको वीक फोर्स है, आप थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही आप थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे या थोड़ी देर के लिए उसको एग्जिस्ट फॉर्म में रख दोगे, स्टेशनरी फॉर्म में, तो वापस से बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पे एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन आप आसानी से कर सकते हो, मींस वीक फोर्स है तो इजीली बन भी जाएगा और इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो गया, या करेक्ट आंसर हो गया। इधर देखें, अगर केमिकल के लिए बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख, तो यहाँ पर भी रिवर्सिबल हो सकती थी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल नहीं मानते, नॉर्मल कंडीशन में अगर वो वापस पीछे आ रही है तो वो रिवर्सिबल। बिल्कुल सर। इसका मतलब इसको इरिवर्सिबल केमिकल कैसा होगा, इरिवर्सिबल, और फिजिकल क्या होगा, रिवर्सिबल। केमिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज। तो इस चीज को समझो, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है, सीए बोले तो केमिकल एडसॉर्प्शन, टेम्परेचर के साथ एक बार एडसॉर्प्शन बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, और केमिकल बॉन्ड की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एक्टिवेशन जितनी एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है एडसॉर्प्शन से। बिल्कुल। तो आपको इनिशियली इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, इनिशियली सम हीट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट दिस रिएक्शन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो अगर इसको स्लोली हीट देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी मिलती है ये एडसॉर्प्शन शुरू कर देता है, तो इनिशियली सब क्या होगा, एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब है एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, और इतनी ज्यादा रिलीज होगी वो एक्टिवेशन से ज्यादा होगी, तो आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद में भी इफ वी हीट अप देन सरफेस स्टार्ट टू स्टेट ब्रेक टू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सरफेस क्या करता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था उसे वापस से सरफेस से तोड़ना शुरू कर देती है, तो आपका एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करे तो एक लिमिट तक बढ़ रहा है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हमने तो गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और केई बढ़ गई तो वहां सरफेस रिमूव हो जाएंगे, इट मींस कम हो गया, सिंपल सी बात है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आपके कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन इज ग्रेटर, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होने वाली है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बात भी आपकी सही है। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका, सेकंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए कोलोइडल पार्टिकल, तो कोलोइडल की हम बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन आया है तो
देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशन. एक होती है सस्पेंशन, मीन्स क्या होता है इफ वी एड सोइल इन टू वाटर, मीन्स क्या होगा पार्टिकल विल क्या होंगे सस्पेंड यानी नीचे बैठ जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे सेटलमेंट. एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा कंप्लीटली क्या हो जाएंगे डिजोल्व. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिजोल्व NaCl इन टू वाटर, क्वालिटी में क्या होगा न तो वो सस्पेंशन में आएंगे और न वो डिजोल्व होंगे, मीन्स क्या होंगे वो बीच वाली क्या होगी इंटरमीडिएट कंडीशन रहेगी. क्लियर? तो उनमें क्या होता है देखो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है कोलोइडल सॉल्यूशन की है. तो ब्राउनियन मूवमेंट डोबा में क्या करना है चार्ज के लिए मतलब कौन सी ऐसी इसकी प्रॉपर्टी से प्रूव होता है कि चार्ज प्रेजेंट है. देखो ब्राउनी गति, दूसरी है आपका वैद्युत कण संचलन, तो इसका आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब वो क्यों आएगा देखो समझते हैं इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर देखो ब्राउनियन मोशन की भी बात करें तो ये इसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी आप इसकी मान सकते हो जिग जैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम. क्यों सर? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन हो गया. देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, दो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोड होता है, वन इज एनोड पॉजिटिव दूसरा कैथोड नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ क्या फील करते हैं कोई कोलोइडल सॉल्यूशन फील करते हैं. याद रखना कोलोइडल सॉल्यूशन हमेशा चार्ज्ड होता है, या तो कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो सारे के सारे जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो या तो कैथोड पर डिपोजिट होंगे या एनोड पे. मतलब इट मींस ये प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, और पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है अगर मान लो नेगेटिव पे जा रहा है, इट मींस देम श्योर यहां चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां जाए. अगर यहां जाएंगे मींस क्या नेगेटिवली पॉजिटिव सॉल्यूशन है, नेगेटिव चार्ज है तो यहां जाएगा. इट मींस दिस प्रूव दैट चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल. इट मींस देयर आर टू टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड इज नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिव वाले होंगे तो कहां डिपॉजिट होंगे नेगेटिव पे यानी कैथोड पे, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो कहां डिपॉजिट होगा एनोड पे. क्लियर बेटा? थर्ड हम बात करते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. देखो यहां चार्ज में मतलब है क्या वो मीनिंग नहीं. बिल्कुल ठीक है. और मॉलिक्यूलर स्पिन ये क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, यहां चार्ज को लेना नहीं. वैसे देखा जाए तो कोलाइडल के लिए आप ये प्रॉपर्टी मान सकते हो क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, पर चार्ज से कोरिलेशन यहां पे नहीं है. दूसरा इनमें कोगुलेशन पाया जाता है तो मॉलिक्यूलर सीरीज भी ये आसानी से दे सकते हैं, तो ये बात भी इसके लिए कह सकते हैं. एक चीज का ध्यान रखना केटाइन का कैथोड की ओर जाना कैटाफोरेसिस होता है, एनायन का एनोड की ओर जाना एनाफोरेसिस होता है, और ये जो टोटल मूवमेंट है इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. ओके नेक्स्ट. और जो एक चीज और ध्यान रखना जो डिस्पर्सन मीडियम है वो भी मूव होगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मोसिस. इलेक्ट्रोस्मोसिस क्लियर सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ग्राफ बिटवीन लोग एक्स वाई एम, लोग एक्स वाई एम में है एंड लोग पी, पी इज प्रेशर ठीक है, और आपका एंगल 45 डिग्री है, इंटरसेप्ट आपका ओए है ठीक है. एक्स वाई एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्रेशर है 0.28. तो देखो फ्रेंडलीज आइसोथर्म इक्वेशन होती है, क्या होती है एक्स वाई एम इक्वल टू के पी रेस्ट द पावर 1/n. एक्स क्या होता है अमाउंट ऑफ एडजोरपेट डिपॉजिट एट द सरफेस ऑफ एडजोरपेट ठीक है, और ये किसका मास है एक्स तो मास किसका हो गया एडजोरपेट का, मीन्स जो डिपॉजिट होता है सरफेस पे उसका मास एक्स हो गया, और जिस सरफेस पे डिपॉजिट होता है उसका मास क्या हो गया एम हो गया ठीक है. के क्या है कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर पी क्या है यहाँ पे प्रेशर. तो हमें करना क्या है यहाँ पे लोग x बाई एम की वैल्यू यानी आपको निकालनी वैल्यू x बाई एम की, तो हम लोग लेंगे तो लोग x बाई एम क्या होगा इक्वल टू लोग a इंटू बी क्या होता है लोग a प्लस लोग b, तो लोग k प्लस 1/n लोग p. क्लियर? अब y x पे आ रहा है क्या लोग x बाई एम, तो ये तो y हो गया, x पे आ रहा है लोग p तो ये x हो गया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन ही है क्वेश्चन में गिवन है. अब देखो हमें करना क्या है वैल्यू किसकी चाहिए x बाई एम की चाहिए, किसकी चाहिए x बाई एम की. तो देखो c की वैल्यू क्या होगी जब x जीरो होगा तो y क्या होगा c होगा, यानी x जीरो होगा तो यहाँ पे x जीरो हो गया, तो यहाँ इस y को जो इंटरसेक्ट करेगा यानी ये पॉइंट जो है जीरो और लॉग के, जीरो और लॉग के, इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है लॉग के की है. तो लॉग के की वैल्यू कितनी है 0.3 कितनी है, तो मैं वहां देखो लिख देता हूं
लोग एक्स बाई एम, एक्स बाई एम आपको कैलकुलेट करना है। इक्वल टू मैंने क्या बताया, लोग के यानी इंटरसेप्ट कितना है 0.3 है और 0.3010, क्लियर यहां तक। प्लस ये क्या है 1 बाई एन, क्या स्लोप है, अब स्लोप 1045, अब 1045 वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, इनटू लॉग पी, और लॉग पी, पी की वैल्यू पुट कर देंगे हम कितनी है क्वेश्चन में 0.2 है। अब देखो हम ध्यान से देखें तो 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, लॉग 2 की होती है ना, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग 0.2। अब आप ध्यान से देखें लॉग ए इंटू लॉग बी, सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी का होता है लॉग ए इंटू बी, तो लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू क्या होगा लॉग 2 इंटू 0.2, ठीक है। अब देखो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बाई एम की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी 2 इंटू 0.2 कितनी 0.4 आएगी, तो 0.4 एटमॉस्फेयर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल यानी एसिटिक एडेड टू ए 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, फिफ्टी एम एल है, जैसे ही इसमें क्या डालेंगे एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, विलयन में अधिशोषण, क्या बोलते हैं विलयन में अधिशोषण। ये क्या होगा इसमें जो चारकोल है वो क्या करेगा एसिटिक अम्ल के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा अधिशोषित कर लेगा, इट मींस क्या होगा एसिटिक एसिड कम होगा वहां पे, क्यों होगा क्योंकि उसके कण कहां जमा हो जाएंगे एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे जमा हो जाएंगे। अब इसके पहले कंसेंट्रेशन 0.06 दी हुई है, आफ्टर एन आवर इट वॉज फिल्टर्ड एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर, देखो यहाँ कंसेंट्रेशन कम हो गई ना, मैंने क्या बोला क्यों कम हो गई क्योंकि उसके पार्टिकल वहां डिपोजिट हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो मैथमेटिकल पूछ क्या रहा है द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजोर, कितना एसिटिक एसिड एडजोर हुआ पर ग्राम ऑफ चारकोल, मीन चारकोल के मास से डिवाइड करना है तो कितना एडजोर हुआ हम क्या करेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन क्या कर देंगे फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस या सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, तो उनका डिफरेंस क्या हो गया मीन्स कितना डिपोजिट हुआ। तो देखो यहां पे एसिटिक एसिड की बात करें तो इसकी नॉर्मलिटी पहले कितनी है 0.06 है, अब इसकी मोलारिटी और नॉर्मलिटी एक ही बात है क्यों इसका वैलेंस फैक्टर एक है, तो ये वैल्यू किस पे जाएगी मोलारिटी की, और मोलारिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मोल क्या हो जाएंगे एम इंटू बी, क्या हो जाएगा एम इंटू बी, वो गेट बात कर रहे हैं वेट इन ग्राम की, तो मोल से अगर वेट इन ग्राम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मोलर मास से, किससे एम डब्ल्यू यहां पे हम लेते हैं क्या मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब बताओ पहले कितना मास था पहले कितनी मोलरिटी 0.06, ठीक है। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा 50 है, क्लियर, ml है तो ml को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मोलर मास कितना है 60 है, कितनी है 60, तो ये तो कहता वेट इन ग्राम जो इनिशियली प्रेजेंट था किसका एसिटिक एसिड का, बात समझ आएगी क्या m इंटू v, ये तो आ गया मोल, मोलर मास कितना होता है 60, ये आ गया पहले वेट कितना था, अब कितना बचा तो माइनस कर देंगे कितना बचा, अब कंसेंट्रेशन है 0.042, कितनी है 0.042 गिवन इंटू वॉल्यूम चेंज होगा क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा वो 50 क्या रहेगा 50, मोलर मास चेंज होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा, केवल कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी बाकी चेंज नहीं होगा। तो देखो इनिशियल आपके पास एसिड इतना ग्राम था अब इतना ग्राम बचा तो डिफरेंस क्या हो गया डिपोजिट हो गया, अब क्या कर रहा है डिपोजिट कैसे ग्राम में पूछ तो रहा है बट क्या साथ में सॉरी मिलीग्राम में तो चेंज कर लेंगे लास्ट में, साथ में क्या दिया हुआ है पर ग्राम ऑफ चारकोल यानी चारकोल कितना है 3 ग्राम, कितना है
तीन ग्राम, तो पर ग्राम और चार मोल के लिए थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है 50 × 60 × 10⁻³। तो देखो कितना हो गया ये, 60 × 5 30 हो गया क्या, तो 30 हो गया, तो 3 और पावर 3 तो -3 रखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 0.06 − 0.042 क्लियर अपॉन 3। ये किसमें आएगा, ग्राम में, तो मिलीग्राम में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये कितना बच गया यहाँ पे 0.018 × 1000, तो कितना हो गया ये 18 मिलीग्राम, कितना हो गया 18 मिलीग्राम। ऑप्शन में है क्या आपने 18 मिलीग्राम, थर्ड है, तो थर्ड आपका करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन के अनुसार एक एडसॉर्प्शन थ्योरी हो रही है। इन द गिवन फ्लोट एक्स इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट ऑन द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, प्रेशर पी एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी फ्रेंडली एडसॉर्प्शन थ्योरी लगानी है। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होता है, के पी की पावर 1/n है, ठीक है। और 1/n की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी 2/4 आपका 1/2, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, पी 1/2। मीन्स इसका लॉग लेने से क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो लॉग एक्स बाई एम क्या होगा, लॉग के, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था 1/n लॉग पी। तो देखो y इक्वल टू, ये y x पे है, तो y इक्वल टू हमने अभी सॉल्व किया mx plus c, यानी जो स्लोप होगी वो किसकी वैल्यू होगी, 1/n की। तो स्लोप क्या है 1/n, उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। वैल्यू किसकी पूछ रहा है यहाँ पे, x बाई एम प्रोपोर्शनल किसके हैं 1/n के ही है, ठीक है। तो हाफ इसका आंसर आ जाएगा, यानी p रेज की पावर 1/2, वहां पे आएगा पावर क्या आएगी 1/2 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो फॉर कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, आप हमेशा ध्यान रखो आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव सॉल्व है, बिल्कुल। और इसको कोगुलेट करना है तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, और बेस्ट कौन सा है, तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। इसका प्लस 2 है, इसका प्लस 1 है, प्लस 3 है, उसका प्लस 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ प्लस 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है NaCl स्ट्रक्चर, देखो NaCl में क्या होता है, Na प्लस होगा और दूसरा का होगा Cl माइनस। अब NaCl आता है कहां, FCC में, या हम क्या बोलते हैं CCP में, यानी कहां पे आएगा, कॉर्नर्स पे आएगा, प्लस का आएगा फेस सेंटर पे आएगा, ठीक है। और Na प्लस क्या ऑक्यूपाई करता है, OV, क्या ऑक्यूपाई करता है, OV ऑक्यूपाई करता है। तो FCC में पार्टिकल क्या होते हैं, 4 होते हैं, और OV कितने बनेगी 4, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। अब देखो पढ़ते हैं क्या क्या इसमें, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे स्टार्ट क्या हो गया, 1 और मोर देन 1 टाइप, यानी यहां पे मल्टी आंसर स्टार्ट हो गया। तो पहला क्या, OV साइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो देखो अगर पार्टिकल Z हो तो OV भी कितनी, चार ही बनेंगी ना, तो सारी की सारी ऑक्यूपाई है, तो आपका क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो आपका फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखो TV टेट्राहेड्रल साइड्स आर अनऑक्यूपाइड, TV खाली पड़ी है क्योंकि OV में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया करेक्ट है। ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज TV साइड आर अनऑक्यूपाइड, दोनों खाली है क्या, नहीं है, OV तो ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स ये क्या हो गया इनकरेक्ट। इसमें पूछ क्या रहा है, ये सभी, इट मींस ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है इसके अंदर, तो ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ देखो OV एज वेल एज TV सारी सारी OV TV ऑक्यूपाइड है क्या, नहीं है, TV क्या है अनऑक्यूपाइड है, इट मींस ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1 और 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19, यहां पे बात कर रहा है इन ए नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, मतलब Fe3O4 टाइप की ये बात कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो उसके अंदर जो ऑक्साइड होता है वो आपका सीसीपी में होता है, सबका बड़ा हुआ है, और जो आपके कैटायंस होते हैं वो वॉइड्स में हो गए, तो 25% वॉइड को क्या करते हैं कवर करते हैं, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है एमोर्फस सॉलिड, तो करें सर इसमें देखिए एमोर्फस सॉलिड की बात करें, एमोर्फस सॉलिड में ये कह रहा है कि डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आपके क्रिस्टलाइन का होता है रेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, बिल्कुल। दूसरा आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि हर डायरेक्शनल में क्या हो प्रॉपर्टी सेम होगी, और वो रैंडमनेस की वजह से आती है, और एमोर्फस आपके रैंडमनेस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रखते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। और फिर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी इसी की बात की थी अपन ने।
और सुपर कोल्ड लिक्विड इनको बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें फ्लो का नेचर पाया जाता है। ये माना जाता है कि लिक्विड ही है जो थोड़ा ज्यादा ठंडा होने की वजह से सॉलिड का आपको क्या करवा रहे हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन O2 इज एडजॉर्ब मेटलिक सरफेस, कोई मेटल सरफेस है वहां पे O2 क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। ये मेटल है और ये O2 गैस है, क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। तो श्योर क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इट मींस क्लियर क्या होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू O2, फ्रॉम मेटल टू O2। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है देखना, देखो। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केमिकल बॉन्ड में होते हैं, फिजिकल बॉन्ड में होते हैं, बॉन्ड बॉन्ड तो होते नहीं है, केमिकल बॉन्ड में होते हैं। इट मींस क्या है, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, भौतिक होगा भौतिक नहीं होगा, कौन सा होगा, केमिकल होगा। यानी फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, हीट इज रिलीज, फिजिकल हो या केमिकल हो दोनों में क्या होता है, हीट रिलीज होगी, तो ये आपका करेक्ट है। अब देखो ऑक्यूपेंसी ऑफ पाइप था 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज, तो देखो O2 का अगर MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेशन लिखे थे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 16, तो क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s2, अब क्या आएगा सिग्मा 2pz2, इसके बाद क्या आता है पाई 2px, क्या आता है पाई 2px2, फिर क्या आता है पाई 2py2, इसके बाद क्या आएगा पाई स्टार, क्या आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें आएगा पाई स्टार, किसमें आएगा पाई स्टार में आएगा 2x में या 2p, तो क्या बोल रहा है ऑक्यूपेंसी पाई स्टार 2p इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका एटॉमिक नंबर 14 से अबव हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं देखा जाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन से देखा जाता है। जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 से ज्यादा हो जाते हैं तो सिग्मा 2pz हमेशा पाई से पहले बराबर। बिल्कुल। अब कह रहा बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ को देखो, अभी बॉन्ड लेंथ की बात करें इसमें तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बीओ के क्या होती है इनवर्सली होती है, ठीक है। तो जैसे ही बीओ का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO, तो ABMO में इलेक्ट्रॉन आएंगे ना स्टार वाले में, तो यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा BO डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, और BO डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी, यानी आपका फोर्थ भी क्या है करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉप अबव, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉप क्या होता है, द कैटायन एसोसिएट टू फॉर्म द एग्रीगेट्स, ये काम A9 का होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्लियर। फिर उसके बाद में कहता है द A9 एसोसिएट टू फॉर्म द कलेक्टर्स फॉर कोलाइडल डायमेंशंस, ये बिल्कुल सही बात है, A9 आपके क्या करते हैं एडसॉर्प्शन करेंगे इसके साथ, और जिसका एनायनिक पार्ट है ये आपका वाटर की तरफ होगा, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट, बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। फिर कह रहा है The polar end of the ion forming are directed towards water, बिल्कुल ये water की तरफ होता है, और ये non polar वाला तो आपका किधर होता है जो भी आपकी oil drop वगैरह है उधर, water का opposite होगा तो आपका fourth incorrect, second correct answer कौन सा हो गया आपका second और third, second और third हो। Next question which are not an example of heterogeneous catalyst, heterogeneous में आपको ये ध्यान रखना है reactant product और catalyst में कोई भी आपका डिफरेंट फिजिकल स्टेट रख सकता है, जबकि होमोजेनियस में सभी फिजिकल स्टेट सेम होगी, सेम होती है। पहला ऑप्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ SO3 लेड चैम्बर, लेड चैम्बर प्रोसेस, ये लेड चैम्बर की बात कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा तो आपका SO2 होता है वो O2 के साथ मिलके SO3 बनाता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी आपका गैस है, NO कैटलिस्ट आता है वो भी आपका गैस है, बिल्कुल सर। तो ये तो होमोजेनियस का है, हेटेरोजेनियस का नहीं होगा। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ SO3 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आप याद रखो यही रिएक्शन होगी, लेकिन कैटलिस्ट B2O5 होगा जो कि एक सॉलिड स्पीसीज है, बिल्कुल। तो आपका ये हेटेरोजेनियस का एग्जांपल है। फिर आगे बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस की बात करें CH3CO C2H5 + H2O, और ये बात करें एसिडिक मीडियम में H3O+ वाटर प्लस H+ H3+ हो गया, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक तो
एसिड बन जाएगा जो भी एक्वास्पर्म में होगा प्लस एल्कोहल, और एल्कोहल बनेगा जो भी एक्वास, तो यहाँ सब लिक्विड है, ये जैसे एक्वास है वो भी एक प्रकार का लिक्विड ही तो है ना, सबकी फिजिकली स्टेट सेम है, तो ये होमोजेनियस हो गया, ये हो जाएगा। फिर H2 और Cl2, ये गैस है, ये गैस है, HCl बन गया, लेकिन क्या कह रहा है मोसर की प्रेजेंस में, तो मोसर की प्रेजेंस में मतलब एक्वस मीडियम की वहां बात है, किसने कर ली, ये भी हेट्रो में आ गया, फिर पूछ रहा कौन सा हेट्रो नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 की, ए रिवर्सिबल रिएक्शन द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ध्यान दो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो होता है Kf अपॉन Kb, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट अपॉन Kb क्या होता है बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंज द रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। अब देखो रिवर्सल में क्या होगा, रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बनेगा रिएक्टेंट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगी और बैकवर्ड भी चलेगी, तो ये जो चेंज करेगा वो दोनों में सेम चेंज करेगा, जितना ये फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा, मान लो जैसे हमने क्या डाला कैटलिस्ट ऐड किया, तो ये मान लो n टाइम्स हो गया, तो बैकवर्ड वाले भी क्या होगी n टाइम्स ही चेंज होगी, इट मींस क्या होगा जितना फॉरवर्ड इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड इंक्रीज करेगा, तो n से n कैंसिल, क्या होगा kc क्या होगा kc होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, तो देखो इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड ओनली, तो बिल्कुल क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, टू इन्फ्लुएंस द फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन द सेम रिएक्शन, दोनों को सेम टाइप से करेगा, दोनों को एन टाइप करेगा, तो ये करेक्ट हो गया, टू चेंज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द, बिल्कुल श्योर है सही होगा, टाइम क्या करेगा कम करेगा, क्या करेगा समझ लीजिए टाइम को कम कर देगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई विदाउट कैटलिस्ट, अब आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हो तो इक्विलिब्रियम आएगा यहीं पे, बस टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इधर टाइम पीरियड है, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो टाइम पीरियड इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने पे बढ़ा देगा, मतलब टाइम को कम ज्यादा करता है, फॉर द टू इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ओनली, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों को सेम करेगा, तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन NaCl इज डॉक्ड विद 10^-3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2, इसमें क्या करना है इंप्योरिटी डिफेक्ट के टाइप के आप बात कर सकते हो, मतलब आपकी NaCl में डोपिंग कर रहा है किसकी Sr+2 की, क्योंकि डिफरेंट के टाइम देखिए देखा जाएगा, तो आपको पता है एक स्ट्रोंसियम आएगा तो दो Na को कवर करेगा, इसका मतलब है दो वॉइड बनाएगा, लेकिन एक वॉइड में खुद फिट हो रहा है तो वॉइड एक ही बचेगी, बिल्कुल सर एक ही बचेगी, तो एक मॉलिक्यूल से एक वॉइड बनेगी, ऐसे कितने मिला दिया आपने 10^-3 मोल परसेंट को हटाने के लिए मैंने 100 का डिवाइड कर दिया सर, और मोल्स में नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने Na से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट है ए मॉलिक्यूल A2B मोलर मास 166.4 है, ऑक्यूपाई है ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, एबीसी अनइक्वल होती है, बिल्कुल डेंसिटी इसकी गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जेड निकालना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला डिस्कस हम कर चुके हैं, क्या होता है एम जेड अपॉन A³ × Na, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है जेड करना है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा DA³ Na/m, अब देखो वैल्यू पुट कर जाते हैं हम, डी की वैल्यू क्या है डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 5.2 ग्राम पर सेमी क्यूब है, ठीक है A³ A की वैल्यू सेमी क्यूब मिलेंगे, तो A³ जो A वॉल्यूम है, अब देखो ध्यान दो ये A³ होता है क्यूबिकल का, बट यहाँ पे ऑर्थोरम्बिक है, तो A³ की जगह क्या आएगा A×B×C, वॉल्यूम क्या आएगा A×B×C आएगा, लेंथ विड्थ देखो और हाइट का मल्टीप्लिकेशन 5×8×4×, देखो एंगस्ट्रॉम में है ना, तो किसमें करेंगे सेंटीमीटर में, कितना होगा -8 और -8 पे तब 2 कट जाएगा 10 में -8 हो गया -24 आएगा, ठीक है, तो हमने बात कर ली DA³ और Na क्या होता है 6×10^23 अपॉन, हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास अपना गिवन है कितना 166.4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मेनी NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन ए यूनिट सेल ऑफ NaCl, सॉलिड रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर है,
इस क्या कर रहा है, आयंस अलोंग वन लाइन कनेक्टिंग अपोजिट फेस कनेक्टिंग को क्या रिमूव कर रहा है। तो देखो NaCl की स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, NaCl में Cl- आता है कहां पे, FCC या CCP। FCC मींस कहां का आएगा, कॉर्नर्स पर आएगा, प्लस का आएगा फेस सेंटर पर आएगा। और ये क्या करेगा, OB, OB कहां का बनती है, एज के सेंटर बनती है, प्लस ए क्या बनती है, बॉडी सेंटर पे। अब ऑक्टावर्ड की बात कर रहे हैं, ऑक्टाइडल वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, जो पार्टिकल को देखो, यहाँ पे कॉर्नर से पार्टिकल एक होगा, फेस सेंटर पार्टिकल थ्री होते हैं, डिस्कस कर चुके हम। एज के सेंटर पार्टिकल कितने होते हैं, नंबर 1/4 × 12 यानी थ्री होंगे, थ्री हो जाएंगे और यहाँ पे एक हो जाएगा। अब अपोजिट फेस की बात करें, अपोजिट फेस सेंटर से यहाँ से जो पास कर रहा है को डायगोनल, वहां से सारे पार्टिकल रिमूव कर दिए, मीन्स कौन कौन से होंगे, दो तो होंगे किसके, फेस सेंटर के। इट मीन्स क्या हो गया, आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा वो फेस। बिल्कुल सर, बनाइए कि इसमें ये हो गया। तो सर बात करें इनकी, इनकी बात करें तो हाफ और हाफ, यानी यहां से कितना गया, हाफ इनटू टू, यानी वन पार्टिकल यहां पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी कितना बचा यहां पे, टू बचा। और कॉर्नर से पास होगा नहीं तो यहां पे कितने बच जाएंगे, थ्री बच जाएंगे, क्या सीएल माइनस। यहां बात करें ए सेंटर से पार्ट पास नहीं हो रहा तो एच भी थ्री रहेंगे, और जो अपोजिट फेस के सेंटर से पास होगा वो बॉडी सेंटर से पास होगा ही होगा, वो पार्टिकल यहाँ से रिमूव हो गया, तो थ्री बॉडी सेंटर वाला भी हट चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली थ्री NaCl यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बचने वाले। लास्ट देखते हैं अपने 28 का क्वेश्चन। इन डायमंड कार्बन एटम है फॉर्म FCC लैटिस एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड आर बीइंग फील्ड। आप इसके ये कह सकते हो कुल मिलाकर के ये लैंग्वेज आपको ये बता रही है जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर में, बिल्कुल ZS टाइप है इसके लिए। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे सल्फाइड आपका कहां होता है, कॉर्नर्स पे, FCC में होता है कॉर्नर्स पे, या ये लो, तो यहां पे आपका जहां जहां सल्फाइड होता है, जहां जहां आपका सल्फाइड होता है वहां वहां कार्बन ही मान लो क्यों सर, बिल्कुल सर, FCC। तो FCC में टोटल कितने आ गए सर, चार आ जाएंगे, बस फेस सेंटर चार आ गए सर, क्लियर। ये तो हो गया ये। फिर जिंक कहां होता है, हाफ टेट्राहेड्रल में, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, तो यहां बॉडी डायगोनल पे आ जाओ, यहां यहां नहीं होगा, नेक्स्ट में इधर आएगा बॉडी डायगोनल, जिसमें यहां पर नहीं होगा एटम यहां हो जाएगा, अगला बॉडी डायगोनल यहां हो जाएगा एटम, और इस बॉडी डायगोनल में यहां, मतलब चार बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का हमेशा 100% रोल, तो फोर ही वहां कार्बन एटम आ जाएंगे, तो टोटल फोर प्लस फोर एट हो गए, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा एट। तो आई होप आपने अच्छा एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को साथ में सोल्व करते हुए। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री की बेसिक जितनी भी चीजें थी और जो कंसेप्चुअल चीजें थी जहां से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कशन किए, सारे वहां पे कवर हो गए, बिल्कुल। ओके मिलते हैं बेटा, थैंक यू बेटा, जय सीएलसी।